नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। 1500 करोड़ रुपए की परियोजना के हिस्से के रूप में 16 उमिया धाम। श्री उमिया धाम की विकास परियोजना अब 1500 करोड़ रुपए की लागत से आकार लेने जा रही है। इस विशाल क्षेत्र में धर्म संकुल, विश्व स्त्री श्री उमिया माता जी का मंदिर, शिक्षा संकुल, स्वास्थ्य संकुल, पार्टी प्लाट, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, विश्राम गृह जैसे विभिन्न वर्गों का निर्माण किया जा रहा है। श्री उमिया धाम के इस सबसे बड़े उत्सव के उपलक्ष्य में दिनांक 11 से 13 दिसंबर 2021 तक 16 उमिया परिसर में एक भव्य शिलान्यास महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भव्य शिलान्यास समारोह का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमिताभाई शाह और राज्यपाल देवव्रत आचार्य करेंगे। इस उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, शहीद शाही मेहमान तथा दानेश्वरी पाटीदार समाज के दानदाता विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। पीसी अहमदाबाद से नीता लिम्बाचिया की एक खास रिपोर्ट। नाना गरीब मालनी सर्व समाजी चिंता का बड़ा समाज ये आरोग्य संकुल बना भी रहे, पार्टी ब्रॉड बना भी रहे, बैंकेट हॉल हमें वो हॉल बनाना चाहिए मित्रों के, कोई हॉल जो बने तो जोया उमिया धामनो हॉल ये वो हॉल हमें बनाई रहा है। अरे भोजन ना लय मध्यमना मानना पर टोकन भी पची टोकन पैसे है ना जमान ये व्यवस्था में करवा रही है। अरे विश्राम गुरु जहाँ बदा रही सकता एवं विश्राम गुरु बना जहाँ जुदा जुदा विभागों से 400 की वार तो हमें रूमों बनावा रही है मित्रों, 1200 की वार विद्यार्थी विद्यार्थियों भी हॉस्टेल बना रही है, 200 થી વધારે મળી જાય તેવા વર્કિંગ હોસ્ટેલ। બીજી વાત કહીએ તો મિત્રો આજે પણ અમારી ઉમિયા કેમ્પસની અંદર અમારા વાસુભાઈ ચલાવી રહ્યા છે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને જીપીએસસી અને એઈએસ આજે સંસ્થા ચાલી તો મિત્રો મારે આટલી જ વાત મૂકવી હતી કે અહીંયા અમે 500 કરોડનો પ્રોજેક્ટ લઈ નીકળ્યા છીએ, 1500 કરોડની તો જગા છે આજના ભાવે, આ તો બધા 1100-1200 માં હું 1500 કરોડ કહું છું, 500 કરોડનો પ્રોજેક્ટ અમારો મિત્રો ઇન મિલ મળી અને 2000 કરોડનું પ્રોજેક્ટ અમે નીકળ્યા છીએ અને સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ અને સૌના પ્રયત્નોથી અને બધા સૌનો અમુક લાભ મળે, દરેક સમાજને લાભ મળે એ ચિંતા અમે કરી છે અને એ રીતે અમે આગળ વધીએ છીએ। અને અમારી વાત પણ એવી હોય છે કે પાટીદાર સમાજ એટલે પૈસા